तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा पठान की एडवांस बुकिंग के बारे में। अगर यार देखो अब पठान की एडवांस बुकिंग पर नजर डाली जाए या इसके बारे में बात करी जाए तो पता चलता है कि शाहरुख खान के फैंस को फिल्म से जुड़े विवाद या बायकॉट या जो भी कोई ड्रामा चल रहा है उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। फैंस अपने फेवरेट स्टार को थिएटर में पहले दिन देखने के लिए उतावले हैं यार, मरे जा रहे हैं देखने के लिए। पठान के हिंदी और तेलुगु वर्जन की टिकट्स सबसे ज्यादा बिक रही हैं एडवांस बुकिंग में। अब यार देखो शाहरुख खान की फिल्म पठान का इंतजार फैन बेसब्री से कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से किंग खान बड़े पर्दे से गायब थे और दर्शकों की आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। ऐसे में कुछ ही दिन के इंतजार के बाद शाहरुख खान एक नए अवतार और एक नए अंदाज में सिनेमा घरों में छाने वाले हैं, थिएटर्स की फाड़ने वाले हैं। ये तो सभी को पता है कि पठान की एडवांस बुकिंग 20 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि 19 तारीख से भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अगर 20 तारीख से भी स्टार्ट हुई है तो इसने फ्राइडे के दिन तक पठान की एडवांस बुकिंग के टिकट बिक चुके थे 1.5 लाख से भी ऊपर। अब बात करें सैटरडे की, तो दोस्तों सैटरडे में एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 2 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। अब यार इतनी एडवांस बुकिंग के मामले में आप बोलोगे कि यार इसने फिर टोटल कलेक्शन कितना किया, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। पठान फिल्म रिलीज से पहले ही 15 से 16 करोड़ पहले ही कमा चुकी है, रिलीज से पहले ही यार। मतलब इतना बम्पर ऑफर और आइडिया लगाया जा रहा है कि यार ये देखो 40 से 50 करोड़ की ओपनिंग दे तो लेगी 100%। अब तुम सोच लो कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है फिल्म। तो यार ये तो रही एडवांस बुकिंग के बारे में बात। और यार अब बात करते हैं जो पिछले साल फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, जिसमें रणवीर कपूर और आलिया भट्ट थे, उसने भी जो एडवांस बुकिंग में कमाई की थी वो भी एक 19 से 20 करोड़ की कमाई की थी। और यार भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन की, उसने भी एडवांस बुकिंग में 6 से 7 करोड़ की कमाई की थी। तो यार ये दोनों फिल्में हिट थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी जो कि अच्छा खासा उसने बिजनेस किया था। अब ऐसे में पठान एडवांस बुकिंग में सिर्फ अभी तक कमाती है 16 से 17 करोड़। अब आप बोलोगे यार ये तो ब्रह्मास्त्र से पीछे है। नहीं भाइयों, अभी पठान के पास 3 दिन है एडवांस बुकिंग में छप्पर फाड़ने के लिए। और 100% मुझे 100% लगता है कि यार ये ब्रह्मास्त्र को पीछे छोड़ने वाली है एडवांस बुकिंग के मामले में। अब यार देखो टोटल कलेक्शन भी ठीक रहेगा, अंदाजा पूरा लगाया जा रहा है 100% ये आगे रहेगी फिल्म पठान। क्यों? क्योंकि यार देखो बायकॉट बॉयकॉट से कुछ नहीं होता है यार। अब यार देखो फैंस को क्या चाहिए, एंटरटेन मास मसाला और कंटेंट बढ़िया जो कि पठान में मिलने वाला है। तो यार मैं तो इतना ही कहूंगा। और आपको क्या लगता है कि पीछे छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी या फ्लॉप होगी, जो भी कुछ होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।